एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो स्वाभाविक ही उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बताया। देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत भूत भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, अनादि अनंत और अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उन दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सर को ही काट दिया। शिव के कहने पर भैरव काशी प्रस्थान किए, जहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ का दर्शन अधूरा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।